इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप फाइनल एक बार फिर 9 साल बाद देखने को मिल रहा है और इस मैच को लेकर अब एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ रही है। हालांकि इस मैच के पहले भारत के जीतने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हर आदमी चाहता भी है कि भारत जीत जाए क्योंकि भारत एक बड़ी टीम है और अगर भारत ये मैच जीतता है तो फिर वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो आपको कब निराश कर दे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और वही कल देखना होगा कि क्या होम कंडीशंस में श्रीलंका भारत को पटकनी देती है या फिर वो जो 5 खिलाड़ी वापस आएंगे और टीम इंडिया अपनी फुल फ्लेज्ड टीम के साथ एक बार मैदान में उतरेगी तो उसका दबदबा वैसे ही दिखेगा जैसा पाकिस्तान या श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में दिखा था। वैसे श्रीलंका के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही है क्योंकि एक और उनके गेंदबाज जो है तीक्ष्णा वो बाहर हो गए और हम सब जानते हैं कि श्रीलंका के तमाम जो मेन बॉलर्स थे वो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर थे, जैसे हसरंगा, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, चोटिल थे। तीक्ष्णा जो बहुत प्रीमियम बॉलर हैं वो बाहर हो गए हैं। चमीरा, उन्हें भी खेलने का मौका नहीं मिला, वो भी बाहर हैं। मधुशंका, वो भी बाहर हो गए हैं और लाहिरु कुमारा जो हैं वो भी बाहर चल रहे हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो अपने दिन किसी भी बड़ी टीम को पटक सकती है और जिस तरह से वेल्ला लागे या बाकी नए लड़कों ने पिछले मैच में प्रदर्शन किया है उसके बाद अगर टीम इंडिया उन्हें हल्के में ले रही है तो बाबू आप बहुत लंबा जाने वाले हो, ये आपको समझना पड़ेगा। मैच आपको जीतना है, मैसेज देना है। मैच से पहले एक झटका टीम इंडिया को भी लगा है। वॉशिंगटन सुंदर की वो जगह मिली है अक्षर पटेल की जगह पर। हालांकि अक्षर पटेल वैसे भी नहीं खेलते, अक्षर ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन अक्षर चोटिल हुए थे और सुंदर को उनकी जगह मिल गई है। सुंदर क्या वर्ल्ड कप में भी रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक जमाने में सुंदर से बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अश्विन का रिप्लेसमेंट माने जा रहे थे लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस कमजोर होती गई, उनकी फिटनेस सवाल या निशान खड़े करती गई और वो बाहर चले गए। इंडिया के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि शुभमन गिल ने पिछले मैच में शानदार शतक मारा था और शुभमन फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं 32 इनिंग के बाद। शुभमन गिल ने 32 मैच खेले अब तक ओडीआई में और 1712 रन बनाए हैं 63 के एवरेज से, जो बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वर्ल्ड लेवल पर उनसे कहीं ज्यादा है। और ये इंडिया के लिए खुशी की बात है कि आपके पास विराट कोहली है, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज है जो किसी भी दिन अपना रुख पलट सकता है। और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि वो ऑलमोस्ट जीत की दहलीज तक ले गए थे। लेकिन एक सवाल हमारा भी आपसे कि आपको क्या लगता है इस एशिया कप में विनर कौन होगा? इंडिया मैं तो मान के बैठा हूं, मोस्ट रन आई थिंक शुभमन गिल या कुशल, हाँ इन दोनों में हो सकता है। विकेट बहुत चांसेस हैं वेल्ला लागे, कुलदीप और पथिराना के, ये मेरे हिसाब से। प्लेयर ऑफ द मैच कल कौन हो सकता है यार? बहुत सारे प्लेयर ऑफ द मैच, मैं तो चाहूंगा इंडियन हो, विराट कोहली हो, लेकिन रोहित शर्मा कल 250वां अपना ओडीआई मैच खेलेंगे तो ये भी अपने आप में। चाहूंगा रोहित शर्मा भी रन बनाएं क्योंकि रोहित शर्मा अगर 61 रन बना लेते हैं तो वो एशिया कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन जाएंगे, इंडियन प्लेयर। और उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, मतलब रोहित शर्मा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और इस साल केवल एक बार ऐसा हुआ कि वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं 36 साल की उम्र में, तो ये उनके लिहाज से अच्छा है। हालांकि हम सब मिस करने वाले हैं शिखर धवन को। शिखर धवन जब पिछली बार थे तो मैन ऑफ द मैच बनकर गए थे और उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ओवरऑल इंडिया और श्रीलंका के बीच में अब तक 19 मैचेस हुए हैं, 9 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 9 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं, एक फाइनल ऐसा रहा है जो बेनतीजा रहा है। हालांकि इसके अलावा भी कई फाइनल हुए हैं। लास्ट टाइम जब हम भिड़े थे तो आई थिंक इट वॉज 2014 वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका, उस टाइम मलिंगा कप्तान थे, धोनी कप्तान थे, फाइनल मुकाबला था, T20 वर्ल्ड कप था और इंडिया उस टाइम भी प्रबल दावेदार थी लेकिन फिर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 130 रन बनाए और श्रीलंका ने 17 ओवर में 4 विकेट पर वो मैच जीत लिया था। संकारा कमाल की बल्लेबाजी करते नजर आए थे और मलिंगा की गेंदबाजी और आसानी से हरा दिया था। 2011 वर्ल्ड कप जब हुआ था तब इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, तब भी यही लोग थे, धोनी और गंभीर की वो पारी जिसको हम लोग कहीं भूले नहीं। हालांकि 14 वाला भी हम डिजर्व करते थे लेकिन ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2 बार फाइनल खेला गया जिसमें से एक बार रिजल्ट नहीं निकला तो वो सैड था। 2002 में कोलंबो में दादा जब थे तब रिजल्ट था, वो नहीं निकला था। तो कुल मिलाकर इंडिया और श्रीलंका एक टफ राइवलरी रहे हैं। इंडिया के पास बड़े नाम रहे लेकिन श्रीलंका के पास परफॉर्मेंस बड़ी रही है हमेशा से और वो परफॉर्म कर। बाकी इतिहास की बात की जाए तो फिर 1988 में यहां पर ढाका में मैच हुआ था, फाइनल इंडिया ने जीता था एशिया कप में। 1991 में फाइनल हुआ था कोलकाता में, तब भी इंडिया जीता था। इसके अलावा 1995 में शाहजहां में फाइनल हुआ था, तब भी इंडिया जीता था। फिर 1997 में कोलंबो में फाइनल हुआ था जहां पर श्रीलंका जीता था। और श्रीलंका की खास बात यह कि श्रीलंका ने 2 बार जब बैक टू बैक फाइनल जीता था तो वो श्रीलंका में ही, तो ये इंडिया के लिए परेशानी वाला सबब है क्योंकि 2004 में भी कोलंबो में फाइनल हुआ और वहां भी श्रीलंका बाजी मार गया।
फिर 2008 में कराची में फाइनल हुआ, वहां भी श्रीलंका जीत गया, और फिर दाम्बुला में हुआ था, वहां भी श्रीलंका ने बाजी मार ली थी। तो श्रीलंका का एक डोमिनेंस रहा है और कोलंबो में खासतौर पर वो जीत जाते हैं, या कहें कि श्रीलंकाई कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। हालांकि इस बार टीम अलग है। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका 9 बार और भी अलग अलग टूर्नामेंट में भिड़े हैं, जिसमें 6 बार श्रीलंका और इंडिया केवल 3 बार जीती है। तो ये भी बताता है कि फाइनल में श्रीलंका का डोमिनेंस अच्छा है। 1994 में सिंगर वर्ल्ड सीरीज हुई थी, भारत 6 विकेट जीता। 1998 में सिंगर अकाई सीरीज हुई थी, इंडिया 6 जीता। फिर 2000 में कोकोला चैंपियनशिप हुई, उसमें श्रीलंका जीता 245 रन से। 2001 में फिर श्रीलंका जीता 121 रन से। फिर इंडियन ऑयल कप हुआ था, श्रीलंका ने वहां पर भी 18 रन से मैच जीता था। 2009 में कॉम्पैक्ट कप हुआ था, वहां भी इंडिया ने मैच जीता। फिर 2010 में श्रीलंका 4 विकेट जीता। 2010 में ही एक और टूर्नामेंट हुआ था, ट्राई सीरीज दाम्बुला में, वहां श्रीलंका 74 जीता। और 2013 में ट्राई सीरीज थी, वहां पर भारत 1 विकेट से मैच जीता। तो कुल मिलाकर दोनों टीमें एक दूसरे को परेशान करती रहीं, और ये इनकी खासियत रही है फाइनल मुकाबले में। फाइनल मैच का प्रेशर जो होता है ना, वो थोड़ा अलग लेवल का होता है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत माहिर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 95 फाइनल खेले हैं, जिसमें 60 में वो जीते हैं, 32 हारे हैं। तो उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा रहा है कंपैरिजन बाकी टीमों के। श्रीलंका भी फाइनल जीतने की मास्टर रही है, 62 बार खेले हैं, 34 बार जीते हैं, 26 बार हारे हैं। इंडिया 70 बार फाइनल खेल चुकी है अलग अलग सारे ट्रॉफीज को मिलाकर, जिसमें जीतने का परसेंटेज कम है हारने का ज्यादा, 36 बार हम हारे हैं और 29 बार जीते हैं। पाकिस्तान भी यही हालत रही है, 66 बार फाइनल खेला है, 29 बार जीता है, 36 बार हारा है। और वेस्ट इंडीज 50 बार खेली है, 25 जीती, 23 हारी है। तो कहानी कुल मिलाकर यही है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ी बेहतर टीम अभी है। हमारे प्लेयर्स जो हैं फिट होकर लौट आए हैं। बस ये है कि मैच के दिन एग्जीक्यूशन किसका इतना अच्छा होता है, और श्रीलंका कितनी होम कंडीशंस का फायदा उठाती है, क्योंकि वो बहुत मैटर करेगा। श्रीलंका फायदा उठाना चाहेगी, वो चाहेगी कि उनके स्पिनर्स को मौका मिले और इस मैच में वो अपना डोमिनेंस दिखाएं, क्योंकि श्रीलंका की टीम एक मजबूत टीम है और वो चाहते हैं कि वो अपनी पिच पर होम कंडीशंस को जितना फायदा उठा सके उठा लें। हमारा सवाल फिर आपसे कि आपको क्या लगता है कि किसके नाम ये मैच रहने वाला है और कौन जीतने वाला है, और इंडिया अगर जीतती है तो फिर इसका वर्ल्ड कप पर क्या असर होगा। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि इंडिया अगर यहां जीतती है तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज होगा, और रोहित शर्मा बहुत सारे कैप्टन जीत चुके हैं, जैसे आईपीएल 2013 जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती है, आईपीएल जीता 15 में, 17 में, एशिया कप जीता था 18 में, निधास ट्रॉफी 2018 जीता था, फिर आईपीएल 2019-2020, फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल हार गए थे, एक ही बार आज तक फाइनल हारे। तो लेट्स जस्ट होप कि कल वो जब उतरे तो हम जीत कर जाएं।